हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम बात करने वाले हैं द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सी आर्किन में कि गैस्ट्रोनेशन का प्रोसेस कैसे यहाँ पर इनिशिएट होता है, और उससे पहले फेट मैप कंस्ट्रक्शन हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे कि फेट मैप कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है और फेट मैप हमें कैसे हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि हमारी सेल का जो अर्ली ब्लास्टोम ईयर्स होती हैं, जो हमारे अर्ली डिवाइडिंग सेल्स हैं, उनका फ्यूचर फेट क्या होगा। और स्पेसिफिकली हम लोग सी आर्किन की बात करें तो ऑफकोर्स सी आर्किन का जो ब्लास्टुला है उसमें सेल का फेट क्या है हमारा, क्या वो फर्दर जाके स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी एम्ब्रॉय के अंदर। ठीक है, सो फेट मैप के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फेट मैप बेसिकली है क्या, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फेट मैप हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग मेथड से ऑब्टेन करते हैं। फेट मैप को हम लोग इसलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा सेल आगे जाके क्या फेट अटेन करने वाला है, कौन से स्पेसिफिक रीजन की फॉर्मेशन करने वाला है इन केस ऑफ एम्ब्रॉय। ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, कोई सिग्निफिकेंस तो होगा ही। सो फेट मैप का सिग्निफिकेंस ये होता है कि अगर हमें ये पता है कि अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर हमारा किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ गया, डिसफंक्शनल वो रीजन हो गया, तो उसकी वजह से वो एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट को अफेक्ट तो करेगा ही, है ना। अगर हमें ये पता है कि उस एम्ब्रॉय का इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से एम्ब्रॉयनिक हमारी आगे डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो रही है, तो उनको दूर करने के लिए हम उस स्पेसिफिक रीजन को ही अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि अर्ली स्टेज पर किसी भी सेल को उसके डिफॉर्मिटीज को, डिसफंक्शनलिटी को चेंज करना, उसको करेक्ट करना थोड़ा ईजी होता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि सेल के पास अपना कमिटमेंट आ जाता है। सो उनका रिवर्सिबल, उनका फंक्शन रिवर्स करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर हम अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर ही हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे देन ऑफकोर्स वो हमारे लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तक हमारी सेल का कमिटमेंट नहीं हुआ होता है, उस टाइम तक वो सिर्फ स्पेसिफाइड होती है ना। एंड स्पेसिफिकेशन फिर भी आपका रिवर्स हो सकता है, बट कमिटमेंट के बाद हमारी सेल रिवर्स नहीं हो सकती, उसका फंक्शनैलिटी रिवर्स नहीं हो सकता। सो इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेनिंग मेथड को अप्लाई करके फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर। ब्लास्टुला के बाद हम लोग फेट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमें फेट का पता चल सके कि किस रीजन से हमारा फ्यूचर टिश्यू या ऑर्गन बनने वाला है। ठीक है, सो फेट मैप हम लोग सी आर्किन के केस में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हमने ब्लास्टुला फॉर्मेशन तक की स्टेज हमने स्टडी कर ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा तो ऑफकोर्स आपको इतना क्लियर होगा इस इमेज के अंदर कि ये हमारा कौन सा रीजन है, ये हमारा एनिमल हेमिस्फीयर है, ये एनिमल पॉल है। इस एनिमल पॉल के अंदर ये एनिमल हेमिस्फीयर की सेल्स है जो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, दो टायर्स में एक्चुअली डिवाइड हो गई थी, AN1 और AN2। डिफरेंशिएट करने के लिए ही हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनिमल हेमिस्फीयर 1, एनिमल हेमिस्फीयर 2। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो रीजन है ये इसका एक्सेस आपको याद रखना है, ये ओरल एक्सेस है, ये इसका एबोरल एक्सेस है। ठीक है, तो ये जो येलो रीजन में आपको दिख रही है ये इसका वेजिटल हेमिस्फीयर है। इस वेजिटल हेमिस्फीयर के अंदर भी मैक्रोमियर में डिवीजन के बाद वेज 1 और वेज 2 टायर बने थे, और नीचे जो आपको सेल नजर आ रही है वो हमारी माइक्रोमियर है। माइक्रोमियर ने भी डिवाइड होके लार्ज माइक्रोमियर और स्मॉल माइक्रोमियर बनाए थे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाऊं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था हमारा जायगोट है, जायगोट के अंदर डिवीजन हुए थे, डिवीजन के बाद हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट में हमारा जायगोट डिवाइड हो गया था। एक रीजन वो था जिसमें हमारा एनिमल हेमिस्फीयर का टायर थी, एनिमल हेमिस्फीयर की सेल थी। दूसरा रीजन हमारा वो था जिसमें वेजिटल हेमिस्फीयर की सेल थी। जो सेल हमारे वेजिटल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट थी उसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ था, और अनइक्वल डिवीजन के बाद में हमने यहाँ पे दो रीजन बनाए थे। पहला मैक्रोमियर, मैक्रोमियर बना था मैक्रोमियर, और नीचे वाला हमारा बना था माइक्रोमियर। नाम से पता चल रहा है मैक्रोमियर में साइज हमारी कैसी थी, एनलार्ज साइज थी, और माइक्रोमियर के अंदर हमारी साइज कैसी थी, छोटी थी, है ना। मैक्रोमियर फर्दर डिवाइड करके दो रीजन बनाता है वेज 1 और वेज 2। डिमार्केशन के लिए हमने इसको वेजिटल से वेज 1 और वेजिटल 2 रीजन बता दिया। माइक्रोमियर में अगेन लार्ज माइक्रोमियर और हमारे स्मॉल माइक्रोमियर में ये डिवाइड हुआ,
ठीक है, जो आपको इमेज के अंदर अभी दिखाई भी दे रहा है, जो रेड रीजन की आपकी सेल है ना, उसमें रेड कलर लार्ज माइक्रोमीयर है, और जो थोड़ा सा येलोविश सॉरी जो ऑरेंज सा पार्ट है वो हमारा स्मॉल माइक्रोमीयर है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो एनिमल हेमिस्फीयर है इसमें भी डिवीजन हुए थे, एनिमल हेमिस्फीयर के अंदर इक्वल डिवीजन था, इसीलिए इसके अंदर दो टायर बने, AN1 और AN2, ठीक है, जिसमें फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे आगे जब गैस्ट्रोएशन पढ़ेंगे तब। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो आपको कलर दिख रहा है ना, ये कलर एक्चुअली फेट मैप कंस्ट्रक्शन के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। फेट मैप का मतलब यही है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी सेल हमारा क्या फेट अटेन करने वाली है इन फ्यूचर एम्ब्रॉय, ठीक है। तो ये कलर हमें हेल्प करेगा ये स्टडी करने में कि कौन सा रीजन हमारा कौन सा फ्यूचर टिश्यू या ऑर्गन बनाने वाला है, ठीक है। देखो जब फेट मैप आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको दो चीजें, दो नाम आपको एक्चुअली याद रखने हैं, दो टर्म आपको याद रखना है, एक होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, एक होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जब भी आपकी सेल, आपका जो सेल है ये स्पेसिफिकेशन अटेन करती है तो दो तरीके का स्पेसिफिकेशन होता है इसमें, एक होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, एक होता है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वो है जब सेल को किसी से कोई सिग्नल नहीं चाहिए, सेल को पहले से पता है कि मुझे ये फेट अटेन करना है ना। मतलब इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हो, मैं एक सेल हूं, अब मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ जाना है, यानी कि मेरा एड्रेस क्लैरिफाई है, मुझे उसका पाथ पता है, उसका रास्ता पता है, मुझे सारी चीजें क्लियर है, तो वो मेरा स्पेसिफिकेशन होगा ऑटोनोमस, यानी मुझे किसी से कोई और हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पहले से क्लैरिफाई है कि मुझे कहाँ पे जाना है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि मैं सेल हूं, मैंने अपना पाथ इनिशिएट तो कर दिया बट मुझे नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है और मुझे बनना क्या है ना। तो कंडीशंस डिसाइड करेंगी कि मैं कहाँ जाऊंगी, यानी कि मुझे, मैं चल रही हूं रास्ते में, मुझे मेरा कोई दोस्त मिल गया, मेरे दोस्त ने कहा चलो हम लोग कॉलेज चलते हैं, तो मैं उसके साथ कॉलेज चले जाती हूँ, ठीक है। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता क्या है, जब कंडीशन, जब नेबर डिसाइड करता है कि सेल को कैसा स्पेसिफिकेशन अटेन करना है ना। सीआरकेम के अंदर जो सेल्स अपना स्पेसिफिकेशन अटेन करती है वो मोस्टली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन से अटेन करेगी, यानी कि कंडीशन डिसाइड करेगी, नेबरिंग के जो मॉडरेटर्स हैं, जो हमारे सिग्नल्स हैं वो डिसाइड करेंगे, जो हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं सेल को मिल रहे हैं उसका फेट वो डिसाइड करेंगे कि सेल को मूवमेंट कहाँ करना है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, कौन से रीजन में उसे मूव करना है, कौन सा उसे रीजन बनाना है, ठीक है। सिर्फ एक ही इसके अंदर रीजन होता है जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटोजेनिक माइक्रोमीयर्स, ठीक है। ये जो माइक्रोमीयर्स है ये स्केलेटोजेनिक होता है, स्केलेटोजेनिक मतलब इसका स्केलेटल सिस्टम बनाएगा, है ना, इसलिए हमने स्केलेटोजेनिक माइक्रोमीयर्स है। अब ये चीज क्लियर कैसे हुई कि ये हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है, देखिए कुछ हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज करी, की स्टडी करी, उन्होंने क्या किया कि ये जो माइक्रोमीयर का रीजन है ना, यहां से कुछ सेल उठा के उन्होंने इस एनिमल हेमिस्फीयर वाले रीजन के अंदर पुट कर दी। जैसे इस एनिमल हेमिस्फीयर वाले रीजन में इन्होंने पुट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये हमारी माइक्रोमीयर की सेल्स थी ना, क्योंकि ये तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो करती है, तो इस रीजन के अंदर पुट करने के बाद भी, ठीक है, इसका फेट चेंज नहीं हुआ, इन्होंने क्या बनाया, इसका स्केलेटल सिस्टम ही बनाया, इसके स्पिक्यूल्स बनाए, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था क्योंकि हमने वेजिटल पोल से उठा के उसको एनिमल पोल में रखा था, एनिमल पोल में रखा था तो उसका फेट तो एनिमल पोल के हिसाब से होना चाहिए था। अगर उसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता तो कंडीशन डिसाइड करती, उसका नेबर डिसाइड करता उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, बट ऐसा हुआ नहीं, उस सेल का फेट डिसाइडेड था, उस सेल का फेट ये था कि उसे स्केलेटल बनाना है, उसे स्पिक्यूल बनाने हैं, इसलिए उसका नेबर चेंज होने के बाद भी उसका फेट चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज क्लैरिफाई करती है कि सी आर्किन के ब्लास्टुला के अंदर सिर्फ हमारा जो स्केलेटोजेनिक माइक्रोमेयर है वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन दिखाता है, उसके अलावा जितनी भी इसमें सेल दिख रही हैं, चाहे आपको AN1 दिख रहा है, AN2 है, VEG1 है, VEG2 है, ये सारे के सारे सेल कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को शो करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इतनी बात आई एम श्योर आपको क्लियर है कि इसमें मेनली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है सिर्फ एक रीजन को छोड़ के, वो है हमारी स्केलेटोजेनिक माइक्रोमीयर्स, ठीक है, जो वेजिटल पोल रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है।
अब एक चीज और देखना, जो ऑटोनोमस सेल्स होती है ना, ऑटोनोमस सेल्स अपना तो डिवीजन उनका पहले से डिसाइडेड होता ही है, उनका फेट पहले से क्लियर होता है कि हमें इस पर्टिकुलर टिश्यू को बनाना है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाना है। पर सम टाइम वो कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करती हैं जो उसके सराउंडिंग वाले एनवायरमेंट को भी उनकी डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ ये जो वेजिटल पोल के अंदर माइक्रोमीयर्स है ना, समहाउ इस वेज टू का जो फेट होगा ना, वो कहीं ना कहीं हमारा माइक्रोमीयर डिसाइड करेंगे। वेज टू वाला जो रीजन है ये वेज वन को इफेक्ट करने वाला है। तो इस तरीके से हर एक टायर दूसरे की फेट को डिसाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, नेबर डिसाइड कर रहा है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फेट। अब इस डायग्राम के अंदर, इस इमेज के अंदर आपको अलग अलग कलर के अंदर रीजन दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब इस अलग अलग कलर के रीजन के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो एनिमल हेमिस्फीयर में हमने यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में रीजन दिखाया हुआ है, जिसमें अपर टायर को AN1 बोला है, लोअर टायर को AN2 बोला है। एक्चुअली है क्या, जो AN1 है हमारा, ये एबोरल एक्टोडर्म बनाएगा, एक्टोडर्म में स्पेसिफाई होने वाला है। सो फेट मैप बेसिकली एक ऐसा ही हमारा मैप होता है जिसमें हम लोग अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सेल कौन सा रीजन बनाएगी। ठीक है, ये जो एनिमल हेमिस्फीयर का अपर टायर है ये एक्टोडर्म बनाएगा, जो हमारा लोअर टायर है ये ओरल एक्टोडर्म बनाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो वेज वन और वेज टू है ये क्या बनाएंगी, देखो जो वेज रीजन वेज वन है ना, ये वेज रीजन भी हमारा कहाँ पार्टिसिपेट करेगा, इस एक्टोडर्म के पार्टिसिपेशन, इस एक्टोडर्म की फॉर्मेशन में ही पार्टिसिपेट करेगा। वेज टू वाला रीजन जिसे हम देखते हैं, जिसमें हमारा ये येलो वाला रीजन है, ये येलो रीजन क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। यानी कि जब इसमें गैस्ट्रुलेशन होगी ना, तो ये वाले रीजन तो हमारा एक्टोडर्म बनाएंगे। जो मिड वाला रीजन है येलो कलर का, ये हमारा एंडोडर्म बनाएगा। जो वेज टू है, जो ऑरेंज सा है, ये हमारा मेसेनकाइम लेयर बनाएगा। मेसेनकाइम लेयर बोल सकते हैं, मेसोडर्म लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेसेनकाइम लेयर बनाएगा। अब लार्ज माइक्रोमीयर और स्मॉल माइक्रोमीयर क्या बनाने वाले हैं, जो आपके लार्ज माइक्रोमीयर है इसके लिए तो हमने पहले ही कहा ये क्या है, स्केलेटोजेनिक है, यानी कि आगे जाके स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके अंदर स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है। भाई अगर स्मॉल माइक्रोमीयर की बात करें तो ये क्या बनाने वाला है, आगे जाके सिलोम बनाने वाला है। अब ये जो कलर है ना, ये जो कलर डिमार्केशन है, यही हमें शो कर रहा है कि इसका फेट मैप क्या है, इसमें कौन सा रीजन क्या पर्टिकुलर में डिवाइड होने वाला है। ठीक है, अब जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उस चीज को हम समराइज कर लेते हैं। देखिए, हमने क्या कहा था, हमारे पास जायगोट है, जायगोट के अंदर क्लिवेज हुआ था, क्लिवेज होने के बाद क्लिवेज कौन सा था, होलोब्लास्टिक रेडियल क्लिवेज था, है ना। कौन सा क्लिवेज था हमारा, होलोब्लास्टिक रेडियल क्लिवेज। अब ये होलोब्लास्टिक रेडियल क्लिवेज के बाद हमारा, हमें सेल्स मिली। सेल्स हमने कैसे मिली, कि हमारा एनिमल हेमिस्फीयर अलग हो गया, ये हमारा एनिमल हेमिस्फीयर की रीजन है, ये हमारा वेजिटल हेमिस्फीयर की रीजन है। ठीक है, एनिमल हेमिस्फीयर में हमारी सेल दो टायर्स में डिवाइड हो गई, पहला हमारा मीसोमियर और लोअर मीसोमियर, अपर लेसोमियर। मीसोमियर जो है इनकी सेल इक्वल साइज की है, इक्वल वॉल्यूम की है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई डिमार्केशन तो है नहीं, है ना। अम्मा जो मीसोमियर है उसने फर्दर डिवाइड होकर दो लेयर बना ली, AN1 और AN2। सिमिलरली मीसोमियर जो सेकेंड था उसमें भी AN1 और AN2। ठीक है, जिनका हमने फेट मैप जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो AN है उसके अंदर हमारा थोड़ा पिगमेंटेड रीजन है, AN2 जो है वो हमारा थोड़ा सा कम पिगमेंटेड रीजन होगा। ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लाइटिश ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। और ये मेनली किस लेयर के किस लेयर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, एक्टोडर्म के पार्टिसिपेशन में ये इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक्टोडर्म के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होगा। आगे जो गैस्ट्रुलेशन होगा, तीन जर्म लेयर बनेगी, तो ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। वेजिटल हेमिस्फीयर के अंदर हमने देखा था अनइक्वल डिवीजन है, इसलिए मैक्रोमियर और माइक्रोमियर की फॉर्मेशन हुई, माइक्रोमियर ने फर्दर डिवाइड होकर लार्ज माइक्रोमियर और स्मॉल माइक्रोमियर बनाया, जिसमें स्मॉल माइक्रोमियर हमारा सिलोम की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, लार्ज माइक्रोमियर हमारा स्केलेटोजेनिक होता है, ये स्केलेटल सिस्टम यानी कि स्पिक्यूल्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मैक्रोमियर के लिए हमने क्या कहा, इसमें वेज वन और वेज टू दो रीजन बने, जिसमें कुछ इसका जो पोर्शन है वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसको हम डार्क ब्लू कलर से देख रहे हैं। कुछ रीजन इसका एंडोडर्म बनाएगा, जो हमारा थोड़ा सा येलो सा कलर है।
और कुछ रीजन इसमें मेसेनकाइम लेयर में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो हमने क्या देखा, जो एनिमल हाफ है वो एक्टोडर्म बनाएगा हमारा, लार्वल स्किन और न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करेगा वो आगे जाके फर्दर। वेज वन लेयर जो है ये या तो एक्टोडर्म बनाएंगे या एंडोडर्म ऑर्गन बनाएगी। वेज टू जो लेयर है वो एंडोडर्म में, एंडोडर्म की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, सिलोम यानी कि बॉडी वॉल की फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंडरी मेसेनकाइम की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट टायर ऑफ माइक्रोमियर जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा लार्ज माइक्रोमियर है, ये बेसिकली जो प्राइमरी मेसेनकाइम है उसकी फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा और जो लार्वा का स्केलेटन है, स्केलेटोजेनिक है, उसमें फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा। सेकेंड टायर ऑफ माइक्रोमियर हमारा सिलोम की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग फेट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस फेट मैप कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर फर्दर गैस्ट्रोलेशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सी लेयर बनाएगा और उन लेयर से आगे जाके हमारे कौन से ऑर्गन या टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। इससे हमें एक रफली एक आइडिया मिलता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टडी करने में, फेट मैप से हमें आइडिया मिलता है कि कौन से रीजन से हमारा स्पेसिफिकेशन कैसे आ रहा है, कंडीशनल है, ऑटोनोमस है, और इससे में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।